खतौली के ग्राम भैंसी में आंधी तूफान आने से पेड़ भरभरा कर गिर गया। पेड़ मकान पर गिरा लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक पेड़ गिरने की आवाज से आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मकान में सो रहा परिवार मकान से निकलकर खेतों की ओर दौड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि मकान के जिस हिस्से में पेड़ गिरा उस हिस्से में पशु बांधे गए थे। पशुओं को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन पेड़ गिरने से लाखों रुपए की हानि अवश्य हुई। पीड़ितों ने प्रधान से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सरकार से मदद कराने की गुहार लगाई है। जिस समय पेड़ भरभरा कर गिरा उस समय मकान में जयपाल, मुंशी, बबलू, मधु, सचिन, सिमरन, वंश, बबीता, विपिन, हैप्पी, शिव आदि सो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। जी नाम बताएं। नाम बबलू है जी मेरा। कहाँ के निवासी हैं आप? गांव भैंसी, जिला मुजफ्फरनगर। क्या हुआ है आपके साथ? ये हादसा जी, हमारे रात बहुत तेज हवा चली है और हम सभी परिवार एक जगह बैठे हुए थे। ये कोई करीब 8:30 बजे करीब आंधी तूफान आया है और पेड़ गिरा है हमारी छत के ऊपर। क्या नुकसान हुआ है इसमें? नुकसान ये हुआ जी, हमारी सीमेंट की चादरें पड़ी हुई थी, पशु बंधे हुए थे, पशुओं के भी चोट हैं और हम जान बचा के जंगल के रास्ते से निकले हैं। जिस समय ये घटना घटी आप कहाँ पर थे? उस समय हम अंदर मकान में ही बैठे हुए थे। कितने सदस्य थे? हम परिवार के सदस्य 7-8 जने हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सभी थे। क्या चाहते हैं आप सरकार? बस सरकार से हम ये चाहते हैं, मेहनत तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी हमारी वो है, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं मजदूरी भी नहीं लग रही। पिताजी का अटैक आ गया था अभी 15 दिन पहले और हमारी इतनी स्थिति नहीं है जो हम इसे दोबारा बना लें। हम यही चाह रहे हैं सरकार से थोड़ी हमें मदद मिल जा। प्रधान के पास गए क्या आश्वासन? प्रधान के पास हम गए थे, प्रधान जी ने हमें यो कहा है वन विभाग वालों के पास जाओ, उनसे बोल लो हमारे मकान पे जो पेड़ डला हुआ है उसे उठा ले। कितना नुकसान हुआ? ये नुकसान जी करीब 1 लाख का मान के चलो। और हम ये चाहते हैं सरकार से, ये जो हमारे मकानों के सामने पेड़ आए हुए हैं सरकारी, हम ये चाहते हैं ये कटने चाहिए, ये हादसा कभी भी दोबारा भी हो सकता है।